हाय गाइस, मैं शांत हूं। आप देख रहे हैं शांत स्टूडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Xiaomi का नया ब्राउजर को इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस पे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंडिया में मी ब्राउजर बैन है, बट ग्लोबली एक नया ब्राउजर यूज किया जा रहा है जो कि आपको Xiaomi की तरफ से ही देखने को मिलता है। और ये भी काइंड ऑफ सेम है मी ब्राउजर की तरह ही, आपको सेम फीचर्स देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं काफी फास्ट है ओवरऑल। अगर आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट है तो आपको जो है ये भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस के साथ देखने को मिल जाएगा। ब्राउजर ओवरऑल काफी अच्छा है, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा ब्राउजर। और मैं मतलब कि कोई और थर्ड पार्टी ब्राउजर की जगह ये ब्राउजर यूज करना पसंद करूँ, क्योंकि ओवरऑल इसमें फीचर काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डायरेक्टली जो है सभी टैब्स देखने को मिल जाता है, आपको यूट्यूब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ सब डायरेक्टली यूट्यूब को ब्राउज कर सकते हैं और मतलब ऑब्वियसली देख भी सकते हैं। गेम टैब देखने को मिलता है जो कि आपका काम नहीं करता आई गेस, वो बैंक के चक्कर में। होम का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और फिर आपको जो है डाउनलोड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप कोई भी फाइल को अगर डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं। और बाकी जो आपको सभी ऑप्शन जो भी नॉर्मल ब्राउजर्स में देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स में अगर आप टैप कीजिएगा तो इसमें आपको बुकमार्क, हिस्ट्री, इनकॉग्निटो मोड और आपका नाइट मोड, एड ब्लॉकर काफ़ी अच्छा वो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। रिड्यूस डाटा यूजेज और डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेटिंग में अगर आप टैप कीजिए तो आपको जो है डिफॉल्ट ब्राउजर सेट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्विच टू इनकॉग्निटो मोड, ऐड सेटअप, वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चूंकि अगर आपको स्टार्ट में इनकॉग्निटो मोड चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड को भी आपको जो कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और अलाउ कर सकते हैं आप वीडियो और इमेज को डाउनलोड करना, वो डिसेबल भी कर सकते हैं। और आपका सर्च इंजन जो है वो भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। डक डक गो भी है और यांडेक्स भी है, तो ऑब्वियसली अगर आपको जो भी मतलब इंजन चाहिए सर्च इंजन वो आप ट्राई कर सकते हैं। और इसमें आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि ट्रांसलेट डायरेक्टली आपका कर देगा कोई बिना ट्रांसलेटर लगा के, मतलब ब्राउजर में ही इनबिल्ड है, जो कि मेरे को काइंड ऑफ अच्छा लगा। और अगर आप जाइएगा प्राइवेसी में तो वही आपको जो है सेम यूजर वाला जो है Xiaomi हमारे ऐप में देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप चाहिएगा एडवांस में तो इसमें आपको एड ब्लॉकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सो एड्स नोटिफिकेशन वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और बाकी जितना भी नेसेसरी ऑप्शन है सभी आपको देखने को मिलता है। इसका डाउनलोड स्पीड क्रोम से अच्छा है और क्रोम में कटने का प्रॉब्लम रहता है इसमें नहीं है। तो आई गेस अगर आपको एक थर्ड पार्टी ब्राउजर चाहिए तो ये ब्राउजर रिकमेंडेड है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो आपको लिंक तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली मिंट ब्राउजर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो बस आपको इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा, चूंकि आपको लिंक मिल गया होगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए। फिर आपको जो है सेव करना है, सेव करने के बाद आपको जो है फाइल मैनेजर में जाने के बाद APKs में जाना है और बस आपको मिंट ब्राउजर में टैप करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने में कुछ सेकंड्स लगेगा, 4 से 5, चार से ज्यादा 10 सेकंड्स, और फिर आपका स्कैनिंग होगा और फिर आपको बताइए ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। ओपन कीजिए, यूज़ कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा ये नया ब्राउजर जो कि Xiaomi की तरफ से था और अभी आपका इंडिया में बैन हो चुका। बट ये ब्राउजर बैन नहीं हुआ, बट यहाँ ये प्ले स्टोर में भी नहीं है। तो अगर आपको डाउनलोड करना तो लिंक आपको मिल गया होगा डिस्क्रिप्शन में। और आई होप के साथ आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे तो प्लीज़ होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, बेल आइकन को टैप करके नोटिफिकेशन को ऑल में रखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। कुछ भी सजेशन रिकमेंडेशन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं बोलता हूँ कल कुछ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय और मिलते हैं कल।